रविवार की सुबह संत निरंकारी मिशन के तहत कोसी बैराज पर स्थित कोसी नदी में सफाई अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में कूड़ा एकत्रित करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और विशिष्ट अतिथि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने करते हुए सभी से कोसी नदी को साफ रखने की अपील की। देखिए, इसमें सीधी सीधी बात बताऊं, जिस दिन इस हिंदुस्तान के रहने वाले इंसान ने समझ लिया हिंदुस्तान हमारा है तो गंदगी कहीं नहीं दिखाई देगी। आप देख रहे हैं कि ये तो अब चला मिशन भारत सरकार का। मैंने इससे 4 साल पहले ये शुरू कर दिया था। एक मैंने टेम्पू चलाया था 3 पहियों का, वो लखनपुर वगैरह से कूड़ा लेता था। मैंने जब ट्राई करी फिर मैंने गाड़ियाँ मंगाई, इसका ठेका दिया। अब रही कोसी की बात, एक टाइम वो था कि जब कोसी का पानी इतना पाक और इतना बढ़िया था कि जिसको पीने को नहाने को हम नहाते थे, बच्चे थे, आपने भी देखा होगा मोती महल पे हम लोग नहाते थे। तो अब इसमें जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हमने जागरूक करने के लिए बहुत सी चीज़ें चलाई हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य, ये जो मिशन का काम है जो 60 देशों में आज यानी आलमी पूरे आलम में इस काम को कर रहे हैं, ये देखो एक जो साधु संत होते हैं, अब जैसे अभी इन्होंने बताया कि प्रदूषण बाहर और अंदर नहीं हुआ, आदमी के अंदर तो प्रदूषण भरा पड़ा है, इसे भी साफ करना है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने कहा कि नदी की स्वच्छता रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज लोग नदी में कचरा फेंक कर इसे प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन के नारे को सभी बुलंद करेंगे और नदियों को साफ रखें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोसी नदी में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, मैं सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियंता हूँ और क्षेत्र का जोनल मजिस्ट्रेट भी हूँ। आज जो संत निरंकारी मिशन द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है कोसी नदी की सफाई का, इसमें आपके जो इंचार्ज है यहाँ के चौधरी साहब और हमारे साथ शहर के नगर पालिका के चेयरमैन अकरम साहब, जो बहुत बड़े समाज सेवी, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ आपको, तो ये जो स्वच्छ जल और स्वच्छ मन बहुत ही अच्छा मिशन है। और ये शहर में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ 60 से ज़्यादा देशों में जैसा बताया गया है ये चल रहा है। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम लोग ये इसमें कामयाबी मिलेंगे, क्योंकि जो एक कहावत है ना कि पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल तो घिस जाएगी एक दिन वो पत्थर की सील। कोशिश किए जाओ मेरे दोस्तों, सफलता मिलेगी ज़रूर एक दिन। मुझे ये सहभागिता करके इतना हर्ष हो रहा है, मुझे पहले से पता होता मैं सहपरिवार इसमें सहभागिता करता और अगली बार और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और सभी का, क्षेत्र की जनता का भी आह्वान करूंगा कि मैं नहरों नदियों को हमारी कम से कम गंदा बिल्कुल ना करें, और इसके पानी का उपयोग कभी जो पीने में होता था आज लोग नहाने में भी इसमें संकोच कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। वही कार्यक्रम का आयोजन और मिशन के जोनल इंचार्ज PS चौधरी ने बताया कि संस्था का काम सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही पौधारोपण और अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करना है। उन्होंने सभी लोगों से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। देखिए, आज संत निरंकारी मिशन पूरे विश्व भर में ये अभियान चला रहा है सफाई अभियान का कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन, ये जो हमारा प्रोजेक्ट अमृत के तहत एक बड़ा कार्यक्रम है। और पूरे विश्व भर में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के, ये जो फरवरी का महीना होता है, इनका जन्मदिन होता है, तो उनका एक संदेश था कि प्रदूषण अंदर हो चाहे बाहर हो दोनों हानिकारक है। तो पूरे विश्व भर में ढंग के सफाई अभियान, हम जो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनकी सफाई का अभियान हमारे द्वारा किया जा रहा है। सतगुरु माता सुदेशा जी महाराज के द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया है और इस देश के 1100 स्थानों पर हम इस ढंग के कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो मुख्य नारा है इसका स्वच्छ जल स्वच्छ कल और स्वच्छ जल स्वच्छ मन, इस अमृत प्रोजेक्ट के तहत हम इस ढंग के सफाई का अभियान करते हैं। और ऐसा मिशन रक्तदान शिविरों को लगा के, वृक्षारोपण के कार्यक्रम करके हर वर्ष इस ढंग के कार्यक्रम करते रहते हैं। फरवरी के माह में इस ढंग के विशेष कार्यक्रम इस रूप में करते रहते हैं। जी।